गुड मॉर्निंग गाइस। तो अगेन इन दुबई। अब आप सोचेंगे दुबई के इतने ब्लॉग बना तो दिए, बचा क्या है? वही चीज बची है जो पिछले 5 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूं कि उसका टिकट मिल जाए, किसी भी तरह से टिकट मिल जाए, बट टिकट नहीं अवेलेबल होता है इसका। और ना सिर्फ अभी भी, बल्कि इसमें सिर्फ 2 डेट अवेलेबल है इस महीने, दिसंबर की 13 और 14, उसके बाद फिर टिकट अवेलेबल नहीं। तो फॉर्चुनेटली मेरे को किसी की तरफ से टिकट मिल गया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा दुबई फ्यूचर म्यूजियम। अब आप सोचेंगे इसमें है क्या? देखिए, हम रह रहे 2022 में, दुबई वालों ने प्रिपरेशन कर दिया 2070-2071 का। अब 2071 में दुबई कैसा दिखने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी चेंज होगी, दुनिया में क्या चेंजेस आने वाला है, और दुनिया किस तरीके से 2071 में ऑपरेट करेगी, वो चीजों को उन्होंने वहां पर दिखाया है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। पिछले 5 महीने से टिकट नहीं मिल रहा था, फाइनली मिल गया। तो अभी मैं जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज वहां पर अवेलेबल है, किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहता है, और क्या ये चीज पॉसिबल है जो वो दिखा रहे हैं, और अगर उसमें पॉसिबल है तो क्या 1% भी चीजें हुई है, वही सारी चीज हम वहां देखेंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, कौन सा टाइम है बेस्ट यहाँ पर विजिट करने का, उसके साथ साथ टिकट ऑनलाइन लेनी चाहिए ऑफलाइन लेनी चाहिए, कितने घंटे चाहिए इसमें पूरा विजिट करने के लिए, और फ्लोर की सारी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, फ्यूचर म्यूजियम के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा एमिरेट्स टावर, और वहाँ से उतरने के बाद आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि एग्ज़िट का वे कौन सा है और दुबई फ्यूचर म्यूजियम के लिए कहाँ से जाना है। तो ये रास्ता जाएगा सीधा फ्यूचर म्यूजियम की तरफ। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे। तो गाइज़, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ, इसका मतलब समझ ही सकते हो। उसी के साथ साथ जो ये अरेबिक में आपको लिखा दिख रहा है, इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ लिखी है वो ये है कि हम भले ही हज़ारों साल ना रहे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट, हमारी क्रिएटिविटी सालों साल तक रहती है, इवन हमारे मरने के बाद। तो कितना ब्यूटीफुल थिंग यहाँ पर लिखी है आप देख सकते हो। उसके जस्ट बाजू में आपको एक टनल दिखेगा जो कि एक 3D एक्सपीरियंस होता है। जब आप अंदर से जाते हो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको आएगी। उसी के जस्ट सामने आप देखोगे ये लॉबी का एरो करा हुआ है, और इसी के लिए आपको सीधा जाना है, और सीधा एंटर होते ही आप ऑफिशियल बिल्डिंग में एंटर कर जाओगे, मेट्रो के टर्मिनल से सीधा फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के बिल्डिंग में। तो ये आप देख सकते हो, अब हम एंटर कर चुके हैं और अब हम चलेंगे नीचे ग्राउंड। तो अगर मैं बात करूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर की, तो आपको यहाँ पर कैफेटेरिया मिलेगा जहाँ से आप चाय कॉफ़ी वगैरह ग्रैब कर सकते हो। उसके जस्ट सामने आपको सुवेनियर शॉप मिलेगा जहां से आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के ऑफिशियल प्रोडक्ट खरीद सकते हो, चाहे वो वाटर बॉटल हो, कीचेन हो, या उसी के साथ साथ अगर आप शर्ट टी शर्ट इस तरीके की चीज़ खरीदने चाहो तो वो भी आप खरीद सकते हो। उसी के साथ साथ जो थर्ड नंबर पर यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है वो है कॉमन एरिया, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई टिकट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट अवेलेबल नहीं भी है तो आप यहाँ पे आके फोटोज वगैरह खींच कर जा सकते हो। तो गाइस, अगर आप टिकट ऑनलाइन लेते हो तो उसके बाद आप अपना टिकट यहाँ पे सेल्फ चेक इन जो एयरपोर्ट पे होती है उस तरीके की सेल्फ चेक इन है, तो उसके लिए आप, अगर दो ऑप्शन है आपके पास, बाय टिकट का भी ऑप्शन है, अगर 145 12 अगर नेक्स्ट करते हो, सॉरी वी आर फुल्ली बुक टुडे, तो इनके पास टिकट्स मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर, कोई चांसेस नहीं है गाइज़ यहाँ के टिकट के भरोसे मत आना। तो गाइज, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है जो फ्री में आपको मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। आप देखोगे ये मेरी टिकट है, अब इस टिकट को मैं यहाँ से रिडीम करता हूँ, ये सेल्फ क्योस चेक इन है, कंटिन्यू इन इंग्लिश कलेक्ट टिकट। तो ये कलेक्ट टिकट का ऑप्शन आप करोगे, यहाँ पर स्कैनर है, आपको अपने टिकट को स्कैन करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्कैन हो गई, एड डिटेल्स, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। जब आप इसको सेव कर दोगे तो आपको एक कलेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस कलेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक रिस्ट बैंड मिलेगा जिसको आप पहनकर थ्रू आउट द जर्नी आप चीज़ों को स्कैन कर सकते हो, और ये रिस्ट बैंड आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस डिब्बे में से निकलेगा कुछ इस तरीके का, बड़ा ही कलरफुल आपको बैंड मिलेगा जो आपको अपने हाथ में पहनना है इस तरीके से, और यहाँ से आप टाइट भी कर सकते हैं इसको। सो ये आपके एंट्री पॉइंट पे आपको जहाँ पे भी स्कैन करना होगा या क्या होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम चलेंगे इस तरफ, लेट्स गो। तो आपको एक अच्छे बच्चे की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और अपने नंबर का वेट करना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा तो आपके रिस्ट बैंड को स्कैन कर दिया जाएगा। तो जब आप एंटर कर चुके हैं तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा। ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, हिल इंस्टीट्यूट जो कि सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड पे मिलेगा अलवाहा, फोर्थ पे मिलेगा टुमारो एंड टुडे, एंड फिफ्थ फ्लोर पे मिलेगा फ्यूचर हीरोज।
Hamid Barashid Space Force, February 2071. The launch is about to start. Follow me. इसके बाद आपको एक अंतरिक्ष यान में लेकर जाया जाएगा, जहां पे आप देख सकते हो सभी लोग इस एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए यहां पर खड़े होंगे। एक एक करके आपको अलग अलग जगह पे खड़ा किया जाएगा। यहां पर स्पीकर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, ताकि जब ये टेक ऑफ करे तो आप उस एक्सपीरियंस को, उस चीज़ को पूरी तरह से फील कर सको। और ये जो आप देख रहे हो, ये नासा का जो 1981 में जो अंतरिक्ष यान गया था, कुछ लगभग उससे मिलता जुलता है, कुछ उसी तरह का दिखता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, उसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये टेक ऑफ करेगा और धरती से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर जाने वाला गाइस। तो यहाँ से टेक ऑफ करेगा, तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे अभी और इसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करोगे। उसके साथ साथ आप देखिए इसकी जो लगभग ये जो उड़ान भरेगा वो लगभग 4 से 5 मिनट की उड़ान होने वाली है। और उसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि 2071 में दुबई इन खिड़कियों से, इन अंतरिक्ष यान की खिड़कियों से कैसा दिखता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे। देखिएगा इस, ये टेक ऑफ हो चुका है और ये बाहर का आप व्यू देखिएगा इस, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। कुछ इस तरीके से दुबई दिखने वाला है 2071 में। आप देखिए, ये आप अनुभव कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देखिए बादलों की एक लेयर को क्रॉस करते हुए दूसरी लेयर में आप एंटर करोगे। और ये देखिएगा इस एक्सपीरियंस को आप लोगों ने जब फ्लाइट में बैठे हो तब ये अनुभव किया होगा, और ये आज आप अनुभव कर रहे हो इस अंतरिक्ष यान। तो इसके बाद हम OSS होप, जो कि हमें स्टेशन के कमांड सेंटर लेकर जाएगा, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि चंद्रमा और आकाशगंगा को बहुत ही नज़दीकी से दिखाया जाएगा। यहां पर दिखाएंगे कि धरती किस तरीके से सोलर एनर्जी स्पेस से लेकर उसका उपयोग करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये खुद उनसे सुनिएगा। Is the code name for a global effort to power the Earth using solar energy collected from space. At the heart of this system is the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. The solar energy collected at the panels is converted into laser beams of electric energy. These incredible satellites can transform the laser energy into microwaves. Microwave energy is beamed to receiving stations around the globe. When these stations, but none of this would be possible without OSS Hope. It is the centerpiece and command station for the entire SOL project and humanity's home. 100,000. Today you actually joined us on a very special day because we are recruiting. As you can see on the screen, we are accepting applications and we are looking upon all of you to join us as resident pioneers. Don't worry so much about the applications. We shall not be requiring your CVs. We shall not be conducting any long interviews, and we'll be taking you all as you are. We have 6 different missions, and we are hoping you will be helping us in extensive research, our ongoing projects, and other new initiatives. The question to all of you is, are you all ready to join us? Yes. Are you excited to be here with us today? Yes. Okay, follow me this side. तो इसके बाद आपको 6 अलग अलग मिशन के लिए गाइड किया जाएगा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको जो रिस्ट बैंड है उसको स्कैन करना है, कुछ इस तरीके से वेलकम किया जाएगा। उसके बाद आपको आगे के कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं। उसके बाद आप इंग्लिश चूज़ करके अप्लाई करके अपना फेस स्कैन कर सकते हो। फेस स्कैन करने के बाद आपका फ़ोटो इस छोटी स्क्रीन में आएगा इस तरीके से कुछ। उसके बाद आप बड़ी स्क्रीन पर भी आपका फ़ोटो आएगा अलग अलग मिशन के लिए, तो आपका इस तरीके से फ़ोटो आएगा, आपका नाम आएगा, उसको आप मोबाइल में अपनी मेमोरी के लिए रख सकते हो। तो गाइस, ये रहा इनका कुछ साइंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया अभी तक का अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है हील इंस्टीट्यूट। हील इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल, जो कि है अमेजॉन फॉरेस्ट के डिजिटल वर्जन से परिचित कराया जाएगा। यहां पर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन है और आप जंगल के साउंड को सुन सकते हो।
तो इसके बाद आप जाओगे वाइल्ड ऑफ लाइफ की तरफ। यहाँ पर गाइज ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है अगर मैं बोलूँ तो इस म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की। यहाँ पर लगभग 2400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के नमूनों को रखा गया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे छोटे छोटे कांच के ग्लास में, ये देखिए एक कछुआ का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अलग अलग तरह के जो कि सांप हो गए या जंगल में उगने वाली छोटी मोटी घास वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। जिनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आपको इस तरीके का स्कैनर मिल जाएगा, और ये स्कैनर आपको गाइस ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर जो इनके असिस्टेंट होता है यहाँ पर इनसे मांग सकते हो। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इसमें रखी गई हैं उसको स्कैन करके उसकी डिटेलिंग आप जान सकते हो, कहाँ पर उगाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा अगर इसी तरह से इनकी हंटिंग रही तो कब तक ये जिंदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में रखी गई है। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ पर अभी तक, और मुझे बहुत पर्सनली बोलूँ तो बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो यहाँ से। बहुत सी चीज़ आपको देखने को तो मिलेगी, बट अभी वो है नहीं है उस तरीके की चीज़ें। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। दे मेनली फीड ऑन अनदर स्नैक्स, वन ऑफ द पॉइजनस स्नैक्स ऑन द। अच्छा, ये गाइस आप देख सकते हो सबसे जहरीला सांप है, जो अगर एक काटे, अगर इसके एक बार काटने से लगभग 20 लोगों की मौत हो सकती है। तो आप देख सकते हो ये वाला सांप, ओहो, तो यहाँ पे ही जानवर है। उनके बारे में डिटेलिंग दी गई है। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। ग्रीन एनाकोंडा ये अमेजोन के जानवरों में पाया जाता है, सॉरी जंगलों में पाया जाता है ग्रीन एनाकोंडा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी with pioneering trees that can be resilient to fire, trees that can resist the strong winds, the tropical storms, trees that are super carbon capturing, that can take the most carbon from the atmosphere. So this is just a simulation of the test. So once you scan your rest band here, it will show you a different experiment. They're all at random. So okay, so I'll do it right here. My friend is doing it. Only when the color changes to white, you'll be able to scan it. Okay. When it's pink, that means the experiment is going all right. Okay, okay. So if it is a white, then only we can do it. Sir? Yes. So now you see the leaves coming up. So scan karne ke baad basically aap. All these red dots are the carbon capturing trees. They try to create a super carbon capturing tree that can take as much carbon molecules from the atmosphere, trapping it under the soil and then releasing air particles back. So let's see if it can capture all the molecules around it. And then it will release all the blue dots. These are air molecules. So they're releasing back oxygen into the atmosphere. Okay. Which controls the climate temperature, so it keeps the planet cooler, obviously removing the carbon footprint from the atmosphere. So this red dot is a carbon dioxide. Carbon dioxide. All the blue dots, this is the oxygen or the air molecule, basically. So it traps it, doesn't only just take it from the atmosphere, it releases back air particles. सो द बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको डिटेल समझाने के लिए लोग हैं और वो आपको फ्री ऑफ चार्ज डिटेल समझाएंगे, उसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे। This is the observatory. Okay. Inside the seal pods you see here, these are plants that have been genetically modified
Then the clock timings, these are timings until the plants mature, and once they mature, we remove them from the sealed pods and plant them back in their respective ecosystems. We have four ecosystems in total: the desert, the forest, the Arctic and aquatic regions. Then we use the hill geoscope on this other side to monitor the progress of the plants and get to know the impacts they are making in the environment. Okay.